जय श्री कृष्ण। मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आदिकालीन हिंदी साहित्य आदिकाल भाग 8 हम आपके ये लेकर प्रस्तुत है। तो शुरुआत करते हैं आदिकाल के नोट्स। दोस्तों, शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हुआ था। तो ये कहां से मानते हैं हिंदी साहित्य का आविर्भाव? शुक्ल जी प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से मानते हैं। आगे बात करें, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू माने जाते हैं। देखिए यहां पर अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू माने जाते हैं। देखो, हिंदी का प्रथम महाकवि स्वयंभू को माना है रामकुमार वर्मा ने। ये तो हो गया रामकुमार वर्मा का मत। जबकि अगर जनरली हम बात करें सामान्य तौर पर, तो स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम महाकवि माना जाता है। वास्तव में यदि देखा जाए तो स्वयंभू अपभ्रंश के प्रथम महाकवि है और राम कुमार वर्मा के अनुसार ये हिंदी के प्रथम महाकवि। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। अब हम आगे वापस बात करते हैं, अगली बात करते हैं। यहां तक हो गया। अवधूत मत नाथ संप्रदाय को कहा जाता है। अवधूत मत किसे कहते हैं? नाथ संप्रदाय को अवधूत मत कहते हैं। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, यह गोरखनाथ सिद्धांत का कथन है। जो जो हमारे पिंड में है वही वही हमारे ब्रह्मांड में, ये गोरखनाथ जी कहते हैं। नेक्स्ट, गोरखनाथ को पृथ्वीराज के समय का आचार्य शुक्ल ने बताया। आचार्य शुक्ल गोरखनाथ को पृथ्वीराज के समय का बताते हैं। वारकरी संप्रदाय का संबंध सिद्ध साहित्य से, वारकरी संप्रदाय का संबंध सिद्ध साहित्य से है। 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान लुईपा का। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट जो सिद्ध है वो कौन है? लुईपा। सबसे इंपॉर्टेंट है लुईपा, सिद्धों में सर्वोच्च स्थान है इनका लुईपा का, ये हमें बात ध्यान रखनी है। सिद्ध कवियों की भाषा को संधा नाम अद्वय वज्र और मुनिदत्त ने दिया था। जितने भी सिद्ध कवि हुए उनकी भाषा को संधा भाषा का नाम किसने दिया? अद्वय वज्र और मुनिदत्त ने दिया। अभिमान मेरु की उपाधि से सुशोभित मेरुतुंग है। अभिमान मेरु किसको कहा जाता है? मेरुतुंग को कहा जाता है। प्रथम जैन कवि देवसेन कहलाते हैं। और देवसेन की दोस्तों मैंने आपको रचना बताई है, कौन सी? शावकाचार। शावकाचार ये किसकी रचना है? ये रचना है देवसेन की। तो ये हमें ध्यान रखना है, देवसेन की रचना है ये शावकाचार। नेक्स्ट बात करते हैं अपन। अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का विवेचन हेमचंद्र ने किया है। और दोस्तों हेमचंद्र ने पुस्तक लिखी है शब्दानुशासन। कौन सी पुस्तक लिखी है? हेमचंद्र ने पुस्तक लिखी है शब्दानुशासन। हेमचंद्र की पुस्तक है और आदिकाल में व्याकरण की यह सर्वश्रेष्ठ पुस्तक मानी जाती है। आदिकालीन साहित्य जब हम पढ़ते हैं उसमें हेमचंद्र की शब्दानुशासन सर्वश्रेष्ठ पुस्तक मानी जाती है, ऐसा हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ऐतिहासिक चरित काव्य कीर्ति लता को माना जाता है। और हमें पता है कीर्ति लता किसकी रचना है? विद्यापति की। धनपाल कृत भविष्यत कथा को रोमांटिक महाकाव्य कहा जाता है। तो धनपाल की जो ये है भविष्यत कहा या कथा, इसको क्या कहा जाता है? रोमांटिक महाकाव्य। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस पर हमने अंडरलाइन कर दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं, सिद्ध सेन कृत विलास वही कहा एक प्रेम कथा काव्य की श्रेणी में आता है। ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको अपन ज्यादा नहीं लेंगे। नेक्स्ट, आदिकाल की चंपू काव्य कृति राउल रॉयल कही जाती है। इसको हम थोड़ा सा लेते हैं, राउल रॉयल। दोस्तों राउल रॉयल, इसके रचनाकार है रोड़ा। इस कृति से
नक्षिक परंपरा का आरंभ माना जाता है। नक्षिक परंपरा को यदि किसी ने प्रारंभ किया तो किसने किया था? रोड़ा ने। कौन सी कृति में? राउर वेद में। तो ये हमें ध्यान रखना है, उसके साथ एक्स्ट्रा हमें ध्यान रखना है। वापस बढ़ेंगे आगे की तरफ। ये देखिए, हम पढ़ रहे थे रोड़ा की बात, आदिकाल की चंपू काव्य कृति। चंपू काव्य कृति किसको कहते हैं? चंपू किसे कहते हैं? गद्य पद्य मिश्रित, गद्य पद्य मिश्रित रचना को क्या कहते हैं? चंपू काव्य कहते हैं। और आदिकाल का चंपू काव्य कौन सा है, मतलब चंपू कृति कौन सी है? वही राउर वेद, जो कि किसने लिखी? रोड़ा ने लिखी। तो ये हमें नक्षिक परंपरा और चंपू काव्य दोनों चीज ध्यान रखनी है राउर वेद के संबंध रोड़ा के। नेक्स्ट बात करते हैं, 63 श्लाका पुरुषों के जीवन का वर्णन महापुराण में किया गया है। महापुराण में 63 श्लाका पुरुषों का वर्णन किया गया है। हम लेते हैं महापुराण को। महापुराण दोस्तों, महापुराण जो रचना है वो पुष्प दंत के द्वारा लिखित है। पुष्प दंत, और पुष्प दंत ने एक और रचना लिखी है जसहर चर्यु। जसहर चर्यु और नय कुमार चर्यु। नय कुमार चर्यु। तो यदि पुष्प दंत जहां भी हमें मिले, हमें ये पढ़ना है, इसकी खास तीन कृतियां हैं, महापुराण, जसहर चर्यु और नय कुमार चर्यु। दोस्तों हमें ये ध्यान देना है कि पुष्प दंत जो है वह उनको भी हिंदी का प्रथम कवि होने का सौभाग्य प्राप्त है, लेकिन पुष्प दंत को प्रथम कवि कौन कहता है? शिव सिंह सेंगर कहते हैं। शिव सिंह सेंगर पुष्प दंत को प्रथम कवि मानते हैं। और पुष्प दंत के और क्या नाम मिलते हैं? पुष्य या पुंड। पुष्य भी कहते हैं, पुंड भी कहते हैं, पुष्प दंत भी कहते हैं, और इनकी ये तीन रचनाएं मिलती है। तो महापुराण में किसका वर्णन है? श्लाका पुरुषों का। श्लाका पुरुषों का वर्णन महापुराण में है। वापस हम वहीं बढ़ते हैं। ये देखिए, इतिहास लेखन की सबसे अविकसित पद्धति वर्णानुक्रम पद्धति को माना जाता है। दोस्तों हम बात करें, इतिहास जो लिखा जाता है उसमें काल क्रमानुसार लिखा जाता है, वर्णानुक्रम के आधार पर लिखा जाता है, लेकिन सबसे अविकसित पद्धति कौन सी है? अल्फाबेटिकली। तो ये ज्यादा मान्य नहीं है। आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक जैन साहित्य में रचे गए। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछ लिया, चरित काव्य सर्वाधिक कौन से साहित्य में लिखे गए? जैन चरित्र में लिखे गए। नेक्स्ट, पुरुष कहानी हो कहो जस पथावे पुन्न विद्यापति का कथन है। विद्यापति की रचनाएं आप सभी परिचित है, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, है ना, ये सारी इसमें अवहट में है। दोनों कीर्तिलता और कीर्ति पताका दोनों अवहट में है। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की ये पुस्तक है हिंदी साहित्य का अतीत, इसको हमने अंडरलाइन कर लिया है। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट किताब है, पुस्तक है। आदिकालीन साहित्य में गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ कुलय कहा माना जाता है। इसको हम थोड़ा सा रहते हैं, कुलय माला कहा, कुलय माला कहा। दोस्तों ये जो ग्रंथ है कुलय माला कहा, इसमें प्राचीन बोलियों का वर्णन हमें मिल जाता है। प्राचीन बोलियों का वर्णन इसमें मिल जाता है, और इसके जो लेखक है वो है उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी। तो यदि बोलियां और भाषा को हमें समझने की कोशिश करनी है, उस पर अनुसंधान करना है, तो कुले माला कहा उद्योतन सूरी द्वारा रचित यह ग्रंथ हमें पढ़ना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, संदेश शासक का काव्य रूप खंड काव्य, इसको भी हम थोड़ा ले लेते हैं। संदेश शासक, दोस्तों संदेश शासक बड़ा ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। संदेश शासक ये ग्रंथ जो है वो अब्दुल रहमान के द्वारा लिखित है। अब्दुल रहमान, यह 13वीं शताब्दी में की रचना मानी जाती है, 13वीं शताब्दी की रचना मानी जाती है। और संदेश शासक का जो काव्य रूप है वो कौन सा है? खंड काव्य।
तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके आगे दोस्तों, भरतेश्वर बाहुबली रास अपभ्रंश से प्रभावित रचना है। भरतेश्वर बाहुबली रास ये किससे प्रभावित रचना है? अपभ्रंश से प्रभावित। और भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना किसने की थी? शालीभद्र सूरी ने की थी। इसने भद्रसेन सूरी ने भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना की थी। नेक्स्ट हम करते हैं, अपभ्रंश के प्रभाव से युक्त ग्रंथ खुमानासो माना जाता है। खुमानासो ग्रंथ की रचना, खुमानासो की रचना दलपति विजय ने की थी। इसमें मेवाड़ के महाराणा खुमान से लेकर राज सिंह तक का वर्णन है। चूंकि राज सिंह तक को इसको इसमें शामिल कर लिया गया है, इसलिए खुमानासो का रचना काल बहुत से विद्वान 17वीं शताब्दी मानते हैं। लेकिन लोग ये कहते हैं, कई जो साहित्यकार हुए वो ये कहते हैं कि ये जो रचना है 17वीं शताब्दी का न होकर 9वीं शताब्दी की है। ये राज सिंह वगैरह का जो भी वर्णन है वो बाद में जोड़ दिया गया, इसलिए 17वीं शताब्दी की नहीं है अपितु 9वीं शताब्दी की ही है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का चित्रण वर्ण रत्नाकर में मिलता है। वर्ण रत्नाकर दोस्तों, वर्ण रत्नाकर जो है वो ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा रचित है। वर्ण रत्नाकर ये ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? ज्योतिश्वर ठाकुर। तो इसको भी हमें ध्यान रखना है कि वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर। और इसमें है क्या? वर्ण रत्नाकर में हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का वर्णन है। नेक्स्ट बात करते हैं, स्वयंभू का अपूर्ण ग्रंथ पौनचर्यु है। तो ये बड़ा ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, हमने कई बार बात कर ली इसके बारे में। ये अपूर्ण और राम कथा पर आधारित पहला ग्रंथ है। प्राकृतानुशासन के लेखक का नाम पुरुषोत्तम देव है। अब ध्यान रखना है यहां पर, देखिए प्राकृतानुशासन पुरुषोत्तम देव, शब्दानुशासन हेमचंद्र, ठीक है? ये हमें ध्यान रखना दोनों चीजों को। और प्राकृत प्रकाश के लेखक वररुचि, प्राकृतानुशासन के लेखक पुरुषोत्तम देव है और प्राकृत प्रकाश के लेखक वररुचि है। तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।